शकील बाइक रोक, बाइक रोक, जल्दी बाइक रोक। अबे रोक बाइक, तुझे क्या रहा हूँ मैं? क्या हो गया यार? तो कर साथ आ मेरे साथ आ, जल्दी आ, बाइक छोड़ दे, ऐसी आ जा। अबे ऐसी आ, भाग के आ, जल्दी आ। अबे साले पतंग उड़ा रहे हैं यार ये, वो देख पतंग उड़ी है ऊपर। अबे ये देख पतंग उड़ा रहा है यार, जल्दी आ मेरे साथ आ। कौन उड़ा रहा है ये भैंस की टांग? पकड़ो उसको, यहाँ पे गले कट रहे लोगों के यार, इनको होश नहीं है। जल्दी आ, ये उड़ा रहा है सारे। ओए रोक, तेरी ऐसी की तैसी। पतंग पे पत्थर मार, उतार भाई पतंग, उतार मांजा पकड़, इसका मांजा पकड़, मांजा पकड़, मांजा मांजा दे, मांजा इधर दे, मांजा पकड़ इसका। क्या हो गया, धक्के क्यों दे रहा है? पतंग दे, पतंग दे अपनी, पतंग दे, ये पकड़, ये पकड़, पतंग दे अपनी। शकील ने पत्थर ले गया, पत्थर ले गया, इधर दे पतंग। चल मैं बोल रहा हूँ, धक्के क्यों दे रहे? रमजान में छबा। अबे ओए चले, धक्का मत दिया, उतारो मैं, पत्थर ले गया, उतार उसकी पतंग, इधर दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। शकील पत्थर ले गया, मार उसके, पत्थर ले गया, चल यहाँ से, मार पत्थर, मार भैंस की टांगे, चल ले। ये लोग, ये लोग यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, सही है, और जो है ना बदमाशी कर रहे हैं। कर रहा हूँ, मोबाइल को हाथ लगा रहा हूँ, नीचे उतार। क्या करोगे? तो समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, पतंग उतार शराफत से, नहीं उतार रहा। शकील भाई पत्थर मारो उसको, बोल रहा हूँ पतंग उतार दे, शराफत से बोल रहा हूँ, तमीज से बोल रहा हूँ, पतंग उतार दे, दे रहा हूँ, बोल छोड़ दे। अबे इतना खतरनाक मांजे लग रहा है हाथ पे यार ये, छोड़ दे, लड़ाई नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, तेरे को पतंग। ओए ओए फटे नहीं करो, फटे नहीं करो, क्या हो गया? एक तो गलत काम कर रहे हो, गलत काम नहीं कर रहे आप, चलो जा पतंग, गलत काम करेंगे, गला कट जाएगा तेरा, काटू गला मैं इससे, तू काट गला, गला काट भाई। बदमाशी कर रहा है ये लोग यहाँ पे, एक तो पतंग उड़ा रहे हैं, ऊपर से बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों के गले कट रहे हैं यार, इनको होश नहीं है। उतार यार शकील पतंग, उतार दे, निकाल ले, निकाल ले, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, इसको पकड़ना है, ये भागेगा, तेरी ऐसी की तैसी, पकड़ ले, पकड़ ले इसको, पकड़ ले, अबे पकड़, रुक सारे, तेरी ऐसी की तैसी, पतंग दे अपनी, पतंग दे अपनी, पतंग दे, पतंग पकड़ इसकी, ला लो पतंग, दो पतंग, दो पतंग, दो इधर दो, फाड़ दे, इधर दे, ओए पतंग दे, इधर दे, तेरी ऐसी की तैसी, पाड़ेगा तेरी कमीज, पाड़ दूंगा, छोड़ दे, नहीं छोड़ दे, छोड़ दे, तेरे को बोलने, छोड़ दे, प्यार से बोलने, तेरे को शकील, इसको पकड़, छोड़ दे, तेरे को बोलने, प्यार से इसको पकड़, भाई ये लोग पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पे, और जो है ना अभी ये फाड़ने वाला हूँ मैं, चल बेटा, पतंग की मार देने, छोड़ दे, छोड़ दे, गलत काम कर रहा है, एक तो पतंग की मार कर रहा है, फटेगा तू, पतंग की मार दू, तुझे ये फाड़ देंगे अभी यहीं पे, सही है, मार मार क्यों ले, धक्का दे रहा है जीव इंसान है, गलत काम कर रहे हो बेटा, गलत काम कर रहे हो, सही है, अभी देखे नहीं आपने वीडियो, नहीं देखी, गलत कर रहे बंदे का, किधर दिखा वीडियो, किधर दिखा वीडियो, दिमाग खराब कर, शबा शबा मैं आप नहीं उड़ाना, सही है, शराब से जाओ, कहाँ से आए हो आप? हम बिलाल कॉलोनी से है, तो ये आपका इलाका है? हाँ हमारा इलाका है, फड्डा नहीं कर, तेरे को बोल रहा हूँ, बदमाश नहीं है बेटा, देखो बाहर से लोग आए हुए हैं, ऊपर से यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, ये बदमाशी भी कर रहे हैं, चल बस, चल शबा मोबाइल लेके आगे चले, ये अपना मोबाइल, मोबाइल मोबाइल को हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं लगा, बेटा कैमरा बंद नहीं हुआ, हाथ नहीं लगा, बता रहा हूँ, सही है, बात कर, आइंदा यहाँ भी नहीं आना, निकल यहाँ से, चल चल निकल, निकल यहाँ से, आइंदा बताइए यहाँ पे, दिमाग खराब कर, आइंदा बताइए, निकल यहाँ से, चल देखिए, ये देखो, ये देखो धक्के दे रहा है, पतंग पतंग उड़ा रहा है, समझा इसको भाई, धक्के मत दे यार, तेरे को बोलना, एक मिनट, अबे भाई फट्टे नहीं करो, रुक जाओ रुक जाओ, बाहर के बंदे आ गए हैं, सही है, बाहर के बंदे आ गए, इनसे बात करो, सही है, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ भाई, यहाँ अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे ये पतंग उड़ा रहे हैं, सही है, गलत काम कर रहे हैं, किसी का गला कट जाएगा फिर क्या होगा, जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार है ना, गला शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आ रही ना, लटकाओ नहीं, बदमाशी भी कर रहे हैं, ऊपर से बदमाशी कर रहे हैं, फड्डा कर रहे हैं ये लोग, फड्डा कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं यार फालतू में, तेरे को बोल लो, प्यार से बात कर, अबे एक तो फड्डे कर रहे हैं ये लोग, बदमाशी कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, ऊपर से बदमाशी भी कर रहे हैं, आप समझाओ कुछ इनको यार, बात सुनो, देखो आप
आप है, ये जितने भी बच्चे हैं ना, पतंग उड़ा रहे हो, आपके भी तो बच्चे हैं ना घर पर, छोटे छोटे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो उस दिन जो वाकया हुआ था, इसके अलावा कराची में भी एक वाकया हुआ था, आपने देखा होगा, जिससे वो जो लड़के की उंगलियां कटी थी, हमारा वो दोस्त क्या है उसके गले पे लग गया था, गले पे उसकी वजह से पशु पड़ा हुआ है। ग्राउंड में हम लोग बड़ा पड़ा हुआ, लोगों को यहाँ से भगाया, वो कह रहे हम लाहौर से आए, तुम लोग हमारे साथ ज्यादती कर रहे। हमने कहा ज्यादती नहीं कर रहे, सब हमारे भाई हो, लेकिन गलत काम गलत है, गलत ना करो। जिस तरह मैंने परसों एक पोस्ट देखा, उस पर बाइक पर बाइक के लिए वो रैबर होता है क्या होता है, वो लगाया हुआ था ना उसकी सेफ्टी के लिए, कह रहे थे कि भाई ये सेफ्टी के लिए हम लोगों ने लगाया। तो मैंने कहा यार ये लगा रहे हो तो इन लोगों को क्यों नहीं बंद कर रहे हो, जो ये हरकतें कर रहे हो, जो ये पतंग उड़ा रहे, इनको पकड़ के सबको अंदर करो ना, इनको खुद मारो, अंदर नहीं करना चाहिए, इनको खुद मारना चाहिए, इनको पकड़ के मारो भाई, मैं तो ये बोलूंगा क्योंकि ये गलत काम है। क्या इसी पतंग से एक मरतबा इनका गला काटते, हाँ, उसके बाद पता लगेगा, फिर उड़ा, हाँ, पता लगेगा, फिर पता लगेगा, काटोगे तुम लोग, तो ये जो बच्चे लोगों के कट रहे हो, क्या बच्चे उड़ा रहे थे, बच्चे को पत्थर मार रहे थे, तो बच्चे उड़ा रहे थे, तू भी उड़ाएगा क्या, तू इतना बड़ा है, इतना बड़ा हत्या करता इंसान है तू, आपको देख तू घोड़े जैसे, तेरा कद है, तू पतंग उड़ा रहा है, बच्चे बच्चे का समझ आ जाए, तू बड़ा है, सही है, बच्चों के साथ कर रहा है, बदमाशी नहीं दिखाओ, सही है, भाई आप लोगों ने चेक किया कैसे ये लोग फड्डे कर रहे हैं, सही है, हालांकि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, इनको पता है गलत काम कर रहे हैं, किसी का गला कटेगा क्या होगा फिर, लेकिन नहीं फिर भी बदमाशी कर रहे हैं। अभी देखो हमने एक पतंग फाड़ी है, अभी वहाँ पे एक और बच्चा पतंग उड़ा रहा है, आज उसके बाद भी चलते हैं, आज शकील भाई एक और भी बच्चा पतंग उड़ा रहा है, आज इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर जल्दी आओ, क्यों उड़ा रहे हो ये पतंग, दिखाओ मुझे, इधर दो पतंग, दो इधर, दो पतंग दो, हाथ दिखाओ अपना, हाथ पे क्या हुआ, इस पे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे हाथ हुआ नहीं, क्या हुआ, क्या है, इसमें इज्जत से खोलना छोड़ो, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से खोलो, आप खोलो, आप खोलो, खुद खोलो, इसका जो ना उंगली कटी हुई है, फिर भी छोड़ो, 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 कटी हुई, छोड़ो, कटी हुई, पता दिखाओ ना, दिखाओ वीडियो में, दिखाओ ना, इज्जत से दिखाओ भाई, मतलब इज्जत, ये देखो, ये देखो पूरा कटा हुआ, ये देखो, ये फिर कटा हुआ है, लेकिन फिर भी पतंग उड़ा रहा है, फिर भी पतंग उड़ा रहा है, आ जाओ, ये पतंग लेके चलते हैं, पतंग जो हम फाड़ लें, ठीक है ना, अब बुरा मत करो, आप सीधा जाओ घर जाके बैठ जाओ, अबे पतंग ये भाग रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, ये साला बाहर नहीं आया, इसको पकड़, तेरी ऐसी की तैसी, दूसरी पतंग है और ये फाड़ है, बच्चे को बता दिया हमने, सही है, चलो भाई, ना ही पतंग होगी और ना उड़ाएंगे ये लोग, एक तो हमारा इलाका है यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं आके ये लोग, सही है, और बदमाशी भी कर रहे हैं, बस ये भी फाड़ दिए शकील भाई, अब यहाँ पे जो भी उड़ाएगा ना पतंग, हाँ, फाड़नी आगे, बच्चे भी आ गए इधर, सही है, हालांकि ये चेक करो, ये चेक करो, इसकी उंगली जो ना कटी हुई है, ये दिखाओ, ये देखो उंगली कटी हुई है, सही है, लेकिन फिर भी ये पतंग उड़ा रहा है भाई, बदमाशी किसको, खून निकल रहा है, देखो भाई बच्चा की बदमाशी कर रहा है, हाथ कटा हुआ है ना आपका, हाथ कटा हुआ है ना, तो बस कटा हुआ, तो आप फिर भी पतंग क्यों उड़ा रहे हो, दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द तो नहीं हो रहा, तो पूरी उंगली कट जाएगी, जब बेटा गला कट जाएगा फिर दर्द होगा, सही है, अभी तो सिर्फ उंगली कटी है ना, जब गला कटेगा तो फिर होश आएगा इसको, ये शकील आप लोग ये चेक कर रहे हैं, इन लोग की बदमाशी चेक कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल यार, एक तो कसम से मेरे गलत काम कर रहे हैं, सही है, अभी भी जा नहीं रहे, सारे खड़े हैं, अभी भी पतंग फाड़ दी, लेकिन अभी भी जा नहीं रहे, अभी क्या है इनका, अभी जाएंगे फिर से पतंग लेके आ जाएंगे, फिर से पतंग लेके आ जाएंगे, क्या करें फिर भाई, ये लोग सुधरने वाले नहीं है यार, अभी पतंग फाड़ दी इनकी, लेकिन फिर भी ये लोग सुधर नहीं रहे यार, मतलब भाई आप वीडियो जो देख रहे हो ना भाई, आप लोगों से गुजारिश है, आप अपने बच्चों को समझाएं, आप अपने बच्चों को भी मना करें, वीडियो ये पतंग वगैरह नहीं उड़ाएं भाई, बहुत गलत काम है, क्योंकि जो है ना इससे किसी की जान जा रही है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी की गर्दन कट रही है, अभी मैंने कुछ दिन पहले की वीडियो देखी है, उसमें बंदे का कान कटा हुआ है, केडी चौरंगी पे बंदे का कान कटा हुआ है, कान कटा हुआ है, पतंग दे, कौन सी पतंग दूं तेरी है, तेरी पतंग दूं मैं, तेरी पतंग है, इतना मारूंगा तुझे पकड़ के, ठीक है इंसान, बच्चा भी बदमाश है भाई, बच्चा भी बदमाश है, ये चेक करो, बदमाशी नहीं दिखाई ये बोल रहा है पतंग दो मेरी, बे क्या हो गया तेरे को, बदमाशी किसको दिखा रहा है, एक कमांड का भी नहीं है ये, किसको बोल रहा है मेरी पतंग दो वापस जो फाड़ी है भाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा मैं जा रहा था सौदा लेने शकील भाई के साथ, और मैंने रास्ते में देखी पतंग उड़ ली है, हम अंदर गए बच्चों के पास और बच्चे उल्टा फड्डा करना स्टार्ट हो गए, मतलब इन लोगों को तमीज नहीं है यार, एक तो गलत काम कर रहे हैं, फड्डे भी कर रहे हैं, ऊपर से बदमाशी भी कर रहे हैं, और हाथापाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं भाई, मारा है, और बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, और जो बिल्कुल आपने छोटे छोटे बच्चे देखो, वो तो भाई पत्थरे उठा के मारने लग गया भाई, बोल रहा है मेरी पतंग वापस करो यार, एक तो आप पतंग खरीद रहे हो सही है, उस पर भी पैसा जाया हो रहा है,
सही है, और दूसरों की जान भी जा रही है, तो ये गलत बात है ना यार भाई। आजकल के दौर में ऐसी कंपनियां आ गई है भाई, मांझे पे कांच का वो बना देते हैं, मांझा लोगों की गर्दनें कट रही हैं। यार मैंने अभी वीडियो देखी है यार, मैं मुझे देख के इतना रोना है ना, वो देख के यार वही वीडियो यार पूरा गला कट गया बंदे का, मतलब आने वाला भी एक था अपने घर का यार, और उसकी तकरीबन इसके बाद शादी भी थी। देखो यार ऐसे लोग है भाई, खुदारा आप लोगों से गुजारिश है अपने बच्चों को हिदायत दें, अपने बच्चों को तरबियत दें, अच्छी तरबियत दें, और जब भी आपके बच्चे कहीं सौदा लेने जाए तो आप उन बच्चों को बोलें आप देख धाक के जाएं। सही बात है भाई, को भाई अपने आपके लाल के साथ कुछ ना हो जाए। भाई आप खुद ये सोचो, एक माँ ने अपने बेटे को पाला है, बड़ा किया है, सही है, अगर उसकी जान चली जाए तो फिर उसके दिल में क्या बीतेगी, आप ये सोचो यार सिर्फ। तो जीते जी माँ मर जाएगी। मर जाएगी। एक बाप ने अपने बेटे को खिला पिला के बड़ा कर दिया, जवान कर दिया, सही है, उसके बाद उसका इंतकाल हो जाए, ऐसे किसी हादसे में अगर वो मर जाए, गला कट जाए, तो उस पर क्या गुजरेगी, आप ये सोचो यार बस। अभी देखा था केडीए चुरंगी पे एक बंदे का कान कट गया, पूरा कान कटा हुआ उसका बंदे का। कराची की बात है भाई, मैं आपको फैसलाबाद की बात नहीं बता रहा, मैं कराची की बात बता रहा हूँ आपको। ये वाकया भी तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए इस बात के, अभी चल रहा है, असल में रमजान का सीजन चल रहा है ना, रमजान में ये सीन चल रहा है यार। रमजानों में इनको क्या है, रमजानों में इनके पास काम नहीं है सिर्फ पतंग उड़ाने का यार। भाई रमजान में आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, सही है, हम भी बचपन में क्रिकेट खेलते थे, सही है, फुटबॉल खेलते थे, अभी तक भी खेलते हैं, हम तो भाई नाइट मैच खेलते हैं भाई। जो चीज गलत है गलत है, आप उसके लिए आप आवाज उठाओ। हर कोई लेके पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है घरों से, पतंग उड़ा रहा है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, वहाँ से एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, घर की छत पे उड़ा, घर की छत पे उड़ा रहा है। उसको डर खौफ ही नहीं है, अगर वो मांझा जो है रोड पे चला गया, इतना ट्रैफिक चल रहा है, किसी का भी गला कट गया, किसी की भी उंगली कट गई, फिर कौन जिम्मेदार है, आप ये बताओ। तो भाई बस मैं एंड में यही कहूँगा कि आप तो थोड़ी सेफ्टी करो, सही है, बाहर जब जाओ तो थोड़ा एहतियात से जाओ, देख के जाओ, और जो पतंग उड़ाते हैं तो भाई पतंग खुदारा नहीं उड़ाओ यार, किसी की जान चली जाएगी फिर क्या होगा। भाई अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, और वो चेक कर रहे हैं पीछे एक और पतंग उड़ रही है यार, देखो ज़रा यार, ये चेक करें, पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पे यार, मतलब हर जगह कराची में, हर जगह जहाँ भी आप चले हो आपको पतंग मिल जाएगी। भाई शकील भाई मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग वीडियो देखते हैं फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ ना यार, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आप लोग वीडियो आई है तो आपके लिए आई है, आपकी बेहतरी के लिए आई है, क्यों आप उस वीडियो से कुछ सीखो। अब ऐसा नहीं, आप उस वीडियो को देखो नजरअंदाज कर दो, आप फिर वही गलत काम करो, एक बंदा गलत काम कर रहा है तो आप भी गलत काम कर दो, ऐसा नहीं होता, आप उस गलत काम को सुधारो। भाई मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि यार हमारी जो वीडियोज है ना वो बच्चे देखते हैं ज्यादातर, सही है, बच्चे वीडियोज देखते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों के लिए खासतौर पर, क्योंकि ज्यादातर जो है ना बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो भाई आप लोगों को मैं सिर्फ मना करूंगा और कुछ नहीं करूंगा यार, आप लोग अपने बच्चों को समझाएं, ठीक है, अगर अभी किसी और के बच्चे के साथ हो रहा है, कल को अगर आपके बच्चे के साथ हो जाए ये सीन, फिर क्या होगा, फिर आपके दिल पे क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी, फिर आपको पछताने के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आएगा, आप बोलोगे मैं काश इसको समझा देती, फिर काश के चक्कर में फिर वो आपका बच्चा वापस उड़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा पर वापस नहीं आएगा। ये बात है, इससे अच्छा यही आप अपने बच्चों को समझाओ, और अपने बच्चों के होते हुए आप किसी और को भी हिदायत दें, ठीक है भाई। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करिएगा, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस वीडियो को लाजमी ही शेयर करिएगा, लाजमी शेयर करना है भाई, शेयर करिएगा, इस वीडियो को फैला दो, इस वीडियो को आप इतना फैला दो जो हर किसी के पास चली जाए, क्योंकि भाई ये है सेंसिटिव मामला, तो भाई इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।